फाइन। तो सर स्क्रीन विजिबल हो? हाँ जी बिल्कुल। ओके सर, तो सबसे पहले ही थोड़ा मेन बेसिक चीज है इंडिया की लोकेशन वगैरह का। तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है अपने ग्लोब के, और ये उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नोट करे हुए हैं, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 वेस्ट तक है। ये बेसिक चीजें सबको पता ही होगी वैसे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करता है, बट ये कौन कौन से स्टेट से पास थ्रू करता है वो चीज देखने की है। तो फ्रॉम वेस्ट गुजरात, देन एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में भी ये से पास होता हुआ जाता है। सो फिर है कि इसमें फिर अपना जो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है इंद्राई पॉइंट। ये शायद किसी क्वेश्चन में भी मैंने देखा था, सदर्न मोस्ट पॉइंट इंद्राई पॉइंट है, जो कि अपने 2004 में सबमर्ज हो गया था सुनामी की वजह से। फिर उसके बाद अपने जो पॉइंट्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट, कि इंडिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन लैंड में अपन देखें तो, और मैम नदन 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 वाला पॉइंट कौन सा है? नदन वाला इम्पोर्टेंट, ऐसे मैंने कहीं देखा पॉइंट नोट नहीं किया था तो मैंने नहीं लिखा है, अगर किसी और को पता है तो वो बता सकते हैं। हेलो हेलो, आप कंटिन्यू हाँ करिए, जो भी, समझ आ रहा है। हाँ हाँ वो जो भी होगा ना, जो भी पॉइंट है वो मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, आप करते रहिए कंटिन्यू। ओके सर, ओके ओके मैम। फिर ये है अपनी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, मतलब ये अपना इंडिया जो है वो 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस होता है इंडिया के जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है और जो गुजरात है उसके बीच में 2 आवर्स का टाइम लैग करता है। इसलिए इंडिया में स्टैंडर्ड मेरिडियन जो अपनी स्टेब्लिश करी गई है वो है 82 डिग्री पॉइंट 30 मिनट ईस्ट पर है, और ये मिर्जापुर यूपी से पास होती है अपने। देन फिर और इंडिया की लोकेशन जो है एशिया में है वो है सेंट्रल लोकेशन, मतलब इंडिया है सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, ईस्ट और वेस्ट के बीच में सेंट्रल लोकेशन है, और साउथवर्ड एक्सटेंशन में अपना इंडिया लाई करता है एशिया में। और ये करंट अफेयर में भी सर ने पूछा था कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो चैनल है उसको क्या बोलते हैं, तो वो है अपने पाल्क स्ट्रेट एंड द गुल्फ ऑफ मेनार। फिर अपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पर अपन आते हैं, तो इसमें पहले ये बता रखा है कि जो गोनवंडा लैंड था, जो अपने पेनिसुलर है इंडिया में, वो इसका पार्ट था। और ये जो गोनवंडा लैंड है ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका को एक सिंगल लैंड की तरह था ये पहले, बट फिर कुछ टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जो अभी अपन देखते हैं वर्ल्ड मैप में। फिर अपने जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है 6 है, तो सबसे फर्स्ट जो है वो है हिमालय माउंटेन्स, द ग्रेटर हिमालय माउंटेन्स, ये अपने नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया में है। इनकी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन जो है वो वेस्ट में इंडस रिवर जो है वहां से लेकर अपने ईस्ट में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहां तक ये लाई करते हैं, और इनका मेजरली 3 डिवीजन है इनके। सबसे फर्स्ट डिवीजन है हिमाद्री या फिर इनर हिमालय, जो सबसे टॉप वाली जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो अपनी हिमाद्री या इनर हिमालय रेंज होती है। इसमें जो माउंटेन्स की जो हाइट होती है वो 6,000 मीटर तक होती है, और ये सारे असिमेट्रिक होते हैं, और इनमें ग्रेनाइट, स्नोबाउंड और ग्लेशियर अपन को देखने को मिलते हैं।
इन सब के जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो अभी हर्ष आपको जस्ट अभी मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद शेयर कर देंगे। फिर सेकेंड जो इसका पार्ट है, डिवीजन है, वो है हिमाचल या लेसर हिमालय। ये हिमाद्री के थोड़े नीचे वाली लेयर में आते हैं ये, और ये बहुत ही रग्ड माउंटेन्स होते हैं, अल्टर्ड होते हैं ये, और इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, इनकी हाइट 3,000 to 4,000 meter वेरी करती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और लॉन्गेस्ट जो रेंज है वो है पीरपंजल रेंज, ये लॉन्गेस्ट और इम्पोर्टेंट है काफ़ी। और जो अपनी महाभारत रेंज और वैली ऑफ कश्मीर, कुल्लू वैली, ये सारी अपनी हिमाचल लेसर हिमालय में लाए करते हैं। फिर इसमें थर्ड डिवीजन है वो है शिवालिक्स। तो शिवालिक्स जो है ये सबसे लास्ट लेवल ऑफ लास्ट लेयर है ये ग्रेटर हिमालय माउंटेन्स की, और इसकी हाइट 1,000 meter समथिंग तक ही वेरी करती है, और इसमें सेडिमेंट्स और एलिवियल पाया जाता है काफी। फिर इसमें दुन्स जो होती है, जो अपने शिवालिक्स जो है, शिवालिक्स और जो लेसर हिमालय है या जो हिमाचल हिमालय है, इनके बीच की जो लेयर होती है उसको अपन दुन्स बोलते हैं। जैसे अपन देहरादून बोलते हैं, सुनते हैं, देखा है अपन ने, देहरादून, कौली दुन, पतली दुन, ये सारे लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच की जो लेयर है उसको बोलते हैं। ये जो डिवीजन था ये अपना लाइक टॉप से बॉटम का डिवीजन था। डिवीजन इसका वेस्ट से ईस्ट की तरफ भी डिवीजन है अपने हिमालय का। तो सबसे वेस्ट में अपने पंजाब आते हैं, और पंजाब में जो है वो इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर तक के बीच का जो है हिमालय, वो अपने पंजाब रिवर्स होते हैं। और इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पंजाब, कश्मीर और हिमाचल वाला जो भी माउंटेन्स हैं उस सीजन के, वो इसमें अंदर आते हैं। फिर है कुमान हिमालय, ये सतलुज रिवर से लेकर काली रिवर तक के बीच में आते हैं। जो फर्स्ट है पंजाब, पंजाब इंडस से सतलुज, सेकंड कुमान जो है वो अपने सतलुज से काली रिवर के बीच में आते हैं। फिर थर्ड जो अपने नेपाल वाला जो एरिया है वहां पर जो माउंटेन्स हैं वो है अपने काली से तिस्ता रिवर, काली से तिस्ता रिवर। कल अपने कोई शायद करंट अफेयर में तिस्ता रिवर से रिलेट कुछ था, तो ये अपने नेपाल की बाउंड्री से रहता है, सिक्किम और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है इसको लेकर, ऐसा कुछ था कल के करंट अफेयर में। फिर अपने फोर्थ जो पार्ट है वो है आसाम हिमालय। ये तिस्ता रिवर से लेकर दिहांग रिवर के बीच के जो हिमालय है वो अपन आसाम हिमालय होते हैं। फिर अपने लास्ट जो है फिफ्थ, वो है पूर्वाचल ईस्टर्न हिमालयस। इसमें जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके उधर जो भी लाए करते हैं वो सारे होते हैं, और जो मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, ये सारे इसके अंदर आते हैं अपने। हर्ष, अब इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं वो शेयर कर दो आप। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। किसी को कोई डाउट है तब तो पूछ सकते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, बहुत परफेक्टली। ओके ओके फाइन। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि कुछ जियोग्राफर्स क्या करते हैं, वो हिमालयास को 3 रेंज में बांटते हैं, दैट इज ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास और आउटर हिमालयास, या जिसको हम शिवालिक्स भी बोलते हैं। लेकिन कुछ जियोग्राफर्स इसको 4 रेंजेस में बांटते हैं, वो ट्रांस को भी कैलकुलेट करते हैं, ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर ग्रेट हिमालयास या लेसर हिमालयास, एंड द फोर्थ वन दैट इज शिवालिक्स या आउटर हिमालयास। तो मैंने इसको मैप में मैंने पॉइंट किया था, आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रीजन है, सबसे पहले हम इसको रेंजेस का नॉर्थ टू साउथ, जस्ट गिव मी अ सेक, यस, नॉर्थ टू साउथ हम देख लेते हैं कि रेंजेस कैसे लाई करती हैं। तो सबसे पहले आपका आता है काराकोरम इन द नॉर्थ मोस्ट में, तब आता है आपका लद्दाख, फिर आपका आता है जास्कर, पीर पंजाल, देन धौलाधार, एंड देन शिवालिक्स या आउटर हिमालयस। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व करते टाइम ये चीज देखा था कि आपको पूछ लिया था कि नॉर्थ टू साउथ आप इसको अरेंज करिए। तो आपका इस तरह से होगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक्स। काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर ये आपके ट्रांस हिमालयस के
पार्ट है। इसकी जो हाईएस्ट पीक्स है या कुछ मेजर पीक्स है राकापोशी, केटू एंड गासेरब्रम और कैलाश, कैलाश इन द जो कि हमारा तिब्बत या चाइना में लाई करता है। इंडिया के हाईएस्ट पीक अगर हम देखें जो पीओके डिस्प्यूटेड रीजन में है, अगर आपका ऑप्शन में केटू देता है तो ये आपका हाईएस्ट पीक है, नहीं तो अगर इंडिया में इनलैंड जो कि पूरी तरीके से इंडिया में है वो आपका सिक्किम में जो पड़ता है कंचनजंगा, दैट विल बी द हाईएस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट दैट इज नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। तो दिस मैप विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द ग्रुप, यू कैन फर्दर रीड इट। बाकी अभी मैं एक्सप्लेन थोड़ा कर दे रहा हूँ। बाकी ग्रेट हिमालयाज के हम पार्ट देख लेते हैं, दैट इज आफ्टर ट्रांस हिमालयाज। तो नंगा पर्वत आप लोकेशन देख लीजिए, ये आपका इस समय लद्दाख में पड़ जाता है, लद्दाख और कश्मीर के बॉर्डर पे है ये, मैंने थोड़ा यहाँ पर है समय नंगा पर्वत। उसके बाद कमिंग टू उत्तराखंड, उत्तराखंड में हम देख लेते हैं आपका ये एक पीक पड़ती है बंदरपूच, कामेत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ। बंदरपूच आपका यहाँ पर बंदरपूच यमुनोत्री ग्लेशियर पे, यहाँ पर यहाँ से आपकी यमुना रिवर ऑरिजिनेट होती है। वन मोर थिंग, कुमाऊं रेंजेस और मसूरी रेंजेस ये भी आपकी उत्तराखंड में लाई करती है। फिर जो दिव्या मन ने बताया था अभी महाभारत रेंजेस, ये भी आपका लेसर हिमालयाज का पार्ट है। ये आपका महाभारत रेंजेस यहाँ पर नेपाल में है, ध्यान रखिएगा ये इंडिया में नहीं है, ये पूरी रेंज नेपाल में है। नेपाल में इसकी अगर हम कुछ पीक्स देख लें, इनका भी अगर बहुत डीप में आप देखेंगे तो आ सकता है अरेंज करने को, तो इसका मैंने एक ट्रिक है डैम, डी ए एम, डैम जेम। ये आपका वेस्ट टू ईस्ट आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसे धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू। तो ये ध्यान दीजिएगा ये जो है ये इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है। जैसे धौलागिरी और धौला धार में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो धौलागिरी एक पीक है, वहीं पर धौलाधार रेंज है। मैंने मिस कर दिया था एक्चुअली, मुझे पहले आपको ग्रेट हिमालयाज के बारे में बताना था। तो कहाँ यू कैन सी ये आपके ग्रेट हिमालयाज के रेंजेस हैं। महाभारत आपका लेसर में आता है और ये जो सारे हैं ये आपके ग्रेट हिमालयाज में आते हैं। और ग्रेट हिमालयाज में फिर अगर इस साइड आएंगे हम ईस्ट में, तो यहाँ पर आपका पड़ जाता है कांगटो। कांगटो ये अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक भी है, ये भी पूछ सकता है। और फिर आपका पड़ जाता है यहाँ पर नामचा बरवा। नामचा बरवा में हम देखते हैं कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है तिब्बत से स्टार्ट हो गए यहाँ से, वो भी यहाँ से आपका टर्न लेके इंडिया में चमरवा पे, यहाँ पर हम इसको दिहांग या दिबांग भी बोलते हैं। ध्यान रखने के लिए आप ये भी देख सकते हैं डाफला हिल्स, मेरे हिल्स, एवोर हिल्स, मिस्मी हिल्स, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में लाई करते हैं। तो बाकी उसके बाद आउटर हिमालयाज आपका शिवालिक्स, इसमें वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है आपका कि आप एक बार इसको रेंजेस देख लीजिएगा कैसे अरेंज करना है, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट। और नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट माउंटेन्स में, अब अगर हम आते हैं इधर राजस्थान वाले रीजन में, राजस्थान में हम देखते हैं कि अरावली रेंजेस आपके पड़ जाती हैं। अरावली रेंजेस राजस्थान में पड़ जाती हैं आपका गुजरात से दिल्ली। इसमें मेनली आपको ये पूछ सकता है कि अरावली रेंजेस का ये रेसिडुअल माउंटेन्स है, दूसरी चीज ओल्डेस्ट माउंटेन्स है ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ इंडिया, और ये गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है। अरावली रेंजेस की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। मूविंग टू द इधर आ जाते हैं हम, ये आपका ये वाला रीजन कच्छ पेनिनसुला, ये वाला काठियावाड़ पेनिनसुला। ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा अभी। ओके फाइन, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं आपको पास कर रहा हूँ, फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। दिव्या मैम यू कैन प्रोसीड। हाँ जो भी ये बताया वो अपने ग्रेटर हिमालय हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो है अपने वो है नॉर्दर्न प्लेन्स, इनमें मोस्टली अपन को एलुवियल सॉइल मिलता है
और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा एरिया होता है। ये अपना जो यूपी बिहार वाला एरिया होता है ये वो होता है। यहाँ पर जो रिवर की जो स्पीड होती है वो कम होती जाती है, और यहाँ पर इसीलिए काफी रिवर आइलैंड मिलते हैं अपन को। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मौजूली रिवर आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र के उधर लाई करता है, और ये लार्जेस्ट इनहेबिटेंट रिवर आइलैंड है इन द वर्ल्ड। मौजूली ब्रह्मपुत्र के इधर लाई करता है ये। अब इसकी जो डिविजन है वो देखते हैं अपन। सबसे पहला जो है वो है पंजाब प्लेन, जो अपने वेस्टर्न पार्ट में है इसके, और ये जो फॉर्म होता है ये अपने इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज से फॉर्म होता है। तो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है अपनी झेलम, चेनाब, रवि, बेस और सतलुज। तो पंजाब मतलब पांच नदियों का आब, तो ये वो पांच नदियां हैं जो उधर से बहती है, और इसी से नर्दन प्लेन वहां पर है। फिर सेकंड जो है वो है अपना गंगा प्लेन। गंगा प्लेन जो है वो अपने घाघरा से तिस्ता के बीच वाला जो है वो है अपना गंगा प्लेन, और ये नॉर्थ इंडिया और हरियाणा वाले एरिया में ये पूरा स्प्रेडेड है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये इस पूरे एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर थर्ड जो है अपना वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये अपने आसाम वाले एरिया में लाई करता है, जैसा बताया कि आसाम के उधर ही ब्रह्मपुत्र रिवर है, आती है उधर से चाइना से। इसमें फिर कुछ क्लासिफिकेशन से और या फिर कुछ छोटे छोटे कीवर्ड्स टाइप में है। भाभर है, ये डिसेंडिंग रिवर डिस्प्यूट डिपॉजिट पेबल्स इन नेहरू, ये शिवालिक के पैडल चलते हैं, जो भाभर वाली जो रेंज है ये शिवालिक के पैडल चलती है। फिर इसमें एक है तेराई। तेराई जो है ये भाबर के बीच नीचे वाली जो लेयर है वो है, और इसमें जितनी भी सारी रिवर्स और स्ट्रीम्स होती है वो री इमर्ज करती है और उससे ये बनता है। और यहाँ पर काफी वेट और मार्शी रीजन होता है ये, और यहाँ पर बहुत थिक फॉरेस्ट रीजन है ये, और इसमें दुधवा नेशनल पार्क है, ये नोट कर लेना। तेराई में, तेराई रीजन जो है वहां पर दुधवा नेशनल पार्क अपना लाए करता है। फिर है भांगर, ये ओल्डर एलुवियल से बना हुआ होता है, और ये फ्लड प्लेन ऑफ रिवर है, और इसकी जो सॉइल में कंकर और खादर मिलता है, कंकर और खादर फ्लड प्लेन मिलता है भांगर वाले रीजन में अपन को। इससे रिलेटेड कुछ मैप्स वगैरह वो दिखा दो अब आप। एक्चुअली मैं इसका, मेरे पास मैप नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आउटर हिमालयास के बाद आपका तेराई रीजन स्टार्ट होता है, उससे पहले आपका भावर रहता है। भावर यानी बोल्डर्स, बिग बोल्डर्स यानी बड़े बड़े पत्थर, वो क्या करते हैं वो रिवर्स के साथ फ्लो करके आते हैं और वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको हम उस वाले रीजन को बोलते हैं भाभर। भाभर और भांगर में बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम टाइम में, एक्चुअली आई हैव फेस्ड इट, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। भाभर जो होता है आपका बोल्डर, इसको मैंने ट्रिक इस तरह से बनाया कि भारी भाभर, यानी जो बोल्डर्स होते हैं, पत्थर जो होते हैं वो आपके बहुत भारी होते हैं, उसको हम भाभर रीजन बोलते हैं। वहीं पर फिर और आगे रिवर्स के साथ हम और आगे आएंगे तो हम देखेंगे कि आपका एक होता है न्यू एलुवियल सॉइल और एक होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम लोग बोलते हैं भांगर और न्यू एलुवियल सॉइल को हम लोग बोलते हैं खादर, यहाँ पर रिवर्स के फ्लो के साथ जो आते हैं। तेराई रीजन क्या होते हैं, तेराई रीजन में आपका जहां पर रिवर दिखती नहीं हमें, छोटे छोटे पेबल्स रहते हैं, दैट इज आपके भांगर के बाद थोड़ा और आगे आएंगे नीचे साइड यूपी में, तो आपके छोटे छोटे पत्थर रहते हैं वहां पर, नदियां जो है वो दिखती नहीं है, एक तरीके से वो जो पत्थर है उन्हें सोख कर लेते हैं, उसको तेराई रीजन कहते हैं। ये वाइल्ड लाइफ के बेसिस पे ये यहाँ पर सबसे ज्यादा वेजिटेशन रहती है, और फिर उसके नीचे आपका खादर और भांगर। तो मेन थिंग ये है कि भांगर और भाबर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। थैंक यू दिव्या मैम, नाउ यू कैन प्रोसीड। जो थर्ड है अपना वो है पेनिनसुला प्लेट्यू।
जैसा कि अभी पहले वाली स्लाइड्स में बताया था कि ये जो गोंडवा लैंड है उसका पार्ट है, ये उससे फॉर्म्ड हुआ है, उसकी ड्रिफ्टिंग से फॉर्म हुआ है ये. और इट इज कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो जब अपन रॉक्स के डिवीजन देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कौन से रॉक्स से मिलकर ये बना हुआ होता है. ये ओल्डेस्ट लैंड मास है और इसमें राउंड, इसमें जो हील्स होते हैं वो अपने लाइक त्रिकोण, मतलब ऐसे पिन पॉइंट वाले नहीं होते, राउंडेड हील्स होते हैं अपने इसमें. अब इसकी भी कुछ फर्दर डिवीजन है, फाइनल हिल जैसे था सेंट्रल हाईलैंड, वो, डेक्कन किसी का प्लेट्यू. फोन आया था क्या? तो जो सेंट्रल हाईलैंड है वो ठीक है देखते हैं ठीक अपन है ठीक पहले है ठीक फर्स्ट. है ये नर्मदा जो रिवर आती है अपनी, जो अपन साउथ की स्टार्टिंग कहाँ से जी। कहते तो हैं ले अपन लिए थे नर्मदा, आप 3 मिनट नर्मदा से। के नॉर्थ चलिए में ठीक होते है, हैं, शाम को नर्मदा बात से जी पहले होते कर हैं लीजिए ये. काम फाइनल और ये मालवा प्लेट्यू का काफी एरिया कवर करते हैं अपने. और जो विंध्यान रेंज है वो इस, वो भी इसकी विंध्यान रेंज इज बाउंडेड है. हाँ, विंध्यान रेंज के बीच में होते हैं ये सेंट्रल हाईलैंड्स जो होते हैं. और इसके वेस्ट साइड में, अपने नॉर्थ वेस्ट साइड में अरावली हिल्स होती है, जो भी हर्ष आपको मैप में बता रहा था राजस्थान वाले एरिया में. तो ये सेंट्रल हाईलैंड जो मतलब इंडिया के सेंट्रल वाले एरिया में मान के चल सकते हैं ये अपन. और इस रीजन में जो रिवर्स हैं वो है अपनी चंबल रिवर हो गई, सिंध रिवर हो गई, बेतवा रिवर, केन रिवर. ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रिवर सारी मतलब फ्लो करती है. और ये जो है सेंट्रल हाईलैंड, ये वेस्ट साइड में थोड़ा वाइड होता है, वाइड और ब्रॉडेड होता है, और फिर थोड़ा नैरो होता जाता है ईस्ट साइड में. और जो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो है बुंदेलखंड और बागेलखंड है. ये अभी आपको मैप में दिखा देंगे हर्ष, बुंदेलखंड और बागेलखंड ये इम्पोर्टेंट भी है. और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो है इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंडेड पार्ट है इसका. फिर इसमें सेकंड जो आता है वो है अपना डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू अपन ने काफी बार सर ने भी बताया कि जो ट्राइंगुलर शेप लैंडमार्क जो होता है अपने साउथ के साइड में वो अपना डेक्कन प्लेट्यू होता है. ये नर्मदा के नीचे है. तो सेंट्रल प्लेट्यू जो था, सेंट्रल हाईलैंड, वो नर्मदा के ऊपर था और डेक्कन प्लेट्यू जो है वो नर्मदा के नीचे है. और ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसके नॉर्थ में अपनी सतपुरा रेंजेस आती है और इसके ईस्ट साइड में महादेव, कैमीर हिल्स और माइकल रेंजेस इसमें आती है. महादेव हिल्स इसके ईस्ट में आती है, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में. और इसके नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और एंग्लोन प्लेट्यूज है. और नॉर्थ कच्चर हिल्स भी इसके नॉर्थ ईस्ट एरिया में आती है. और वेस्ट से ईस्ट में जो इसकी हिल रेंजेस है वो है द गौरो, द खासी और जैंता हिल्स. जैंता हिल्स काफी इम्पोर्टेंट भी है, तो वो इसके वेस्ट टू ईस्ट में इसके अंदर कवर होती है. फिर अपने आते हैं वेस्टर्न घाट्स. द वेस्टर्न एज मतलब जो अपना डेक्कन प्लेट्यू है इसका जो वेस्टर्न एज है वो अपना वेस्टर्न घाट है. और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है और जो अपने ईस्टर्न घाट्स हैं वो इररेगुलर और डिसकंटिन्यूअस हैं. क्योंकि अपन देखते हैं कि जितनी भी जो रिवर्स है वो वेस्ट से फ्लो होकर अपने ईस्ट की साइड जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है. तो उन रिवर्स की फ्लो की वजह से अपना ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस है और वेस्टर्न घाट अपना कंटिन्यूअस है. इसकी लेंथ कोई पूछेगा नहीं आपसे वैसे इतनी. और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाई मुडी और डोडा बेटा. तो ऐसे याद कर सकते हैं, अन्ना अन्नाई डोडा बेटा हाईएस्ट पीक से इसकी वेस्टर्न घाट वाले रीजन की. फिर अपना आता है ईस्टर्न घाट. तो जो डेक्कन प्लेटू का ईस्टर्न एज है वो है अपना ईस्टर्न घाट. और ये अपने महानंदी वैली से निर्गिस तक है, तक फैला हुआ है ये. और ये डिसकंटिन्यूस और इरेगुलर है, ये बता दिया इसका रीजन क्यों है ये. और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है. और इसमें बाकी
हिल्स और है वो है शिवरॉय और जावेदी हिल्स जो साउथ ईस्ट में है। फिर अपना है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप का मेन ये है कि ये ब्लैक सॉइल एरिया है, पेनिनसुलर प्लेटू का ब्लैक सॉइल एरिया इसको कहते हैं, और इधर बहुत वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होती है, और इधर जो रॉक्स होते हैं वो इग्नियस रॉक होते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। फिर अपने अरावली हिल्स जो अपने वेस्टर्न साइड में आते हैं, वेस्ट साइड में राजस्थान वाले एरिया में, नॉर्थ वेस्ट में, ये इरोडेड और ब्रोकन हिल्स होते हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक के पूरे रेंज कवर करते हैं, और यही है। फिर इसके जो पॉइंट्स वगैरह हैं वो फर्स्ट एक्सप्लेन कर दो आप। ओके मैम, एम आई ऑडिबल? यस। यस यस। लास्ट में मैंने आपको हिमालयन रेंजेस का बताया था, अब हम पेनिनसुलर का देख लेते हैं, या और जो हमारे छुटे हुए हैं। तो यहाँ पर अरावली रेंज का मैंने बताया अभी। अरावली रेंज में आपको मेन ध्यान रखना पड़ेगा गुरु शिखर, ये आपका सीधा क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। तो सीबीएस के लेवल में हम इतना ही ध्यान रखेंगे कि गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर कच्छ पेनिनसुला, येलो रीजन एंड काठियावाड़ पेनिनसुला। काठियावाड़ पेनिनसुला में हम थ्री इंपॉर्टेंट हिल्स देख लेते हैं, मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स और गिर हिल्स। तो गिरनार और गिर से तो पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं गिर नेशनल पार्क जो इसी पे है, गुजरात में है, तो उससे हमें ये रहेगा कि ये तो पता रहता है कि ये पक्का गुजरात में है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं मांडव हिल्स का क्या कर सकते हैं हम, मध्य प्रदेश मैक्सिमम अगर आता है तो मध्य प्रदेश लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका गुजरात में है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज ये देख सकते हैं कि यहाँ से रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि यहाँ से रिवर चारों तरफ आपकी निकलती है, तो ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न थोड़ा डीप में हो जाएगा, बट फिर भी ध्यान रखिए आपका मांडव हिल से अगर ड्रेनेज पैटर्न पे भी पूछना है तो भी आपका ये रहता है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट इसमें, हाँ मूविंग टू द नेक्स्ट, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर मध्य प्रदेश वाले रीजन, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में, ये वाला रीजन। तो ये हम देख रहे हैं कि सबसे पहली बात ये आपका विंध्यान रेंजेस, ये आपका सतपुरा रेंज, और इसके बीच में आपकी एक रिवर है, दैट इज वो डिवाइड करती है विंध्यान और सतपुरा को, ये आपकी नर्मदा रिवर यहाँ पर। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज, सतपुरा रेंजेस के नीचे हम देख सकते हैं सबसे पहले बात वेस्ट टू ईस्ट इसके छोटे छोटे पार्ट्स है, जैसे राजपिपला हिल्स, महादेव हिल्स एंड देन मैकाल हिल्स, ये वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने को आ जा सकता है। अब इसके छोटे छोटे पार्ट हम देख सकते हैं, जैसे मैकाल हिल्स में आपका है अमरकंटक रेंज, अमरकंटक जो चोटी है पीक है वो मैकाल में है। उसके बाद महादेव हिल्स में आपका हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश का भी हाईएस्ट पीक है, वो महादेव हिल्स का पार्ट है। और उसके बाद इधर है आपका राजपिपला हिल्स, दैट इज टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा। और यहाँ पर अभी मैम ने बताया भी था कि कैमूर हिल्स, दैट इज आपका बघेल खंड के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में है आपका कैमूर हिल्स, ये आपका विंध्यान रेंजेस का एक्सटेंशन है, आपका उत्तर प्रदेश वाले रीजन में विंध्यान रेंजेस का आपका एक्सटेंशन पड़ जाता है कैमूर रेंज। तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। बघेलखंड सर कहाँ है, एमपी में? बघेलखंड ये आपका यूपी एमपी बॉर्डर पड़ता है, मतलब ऐसे हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि पूरा पूरा यूपी में है या पूरा पूरा एमपी में, आपका बॉर्डरिंग पे पड़ता है बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। हाफ हाफ है। यस यू कैन से। एंड अब वेट अ सेकंड, अब आ जाते नीचे कर्नाटका वाले रीजन में, यहाँ पर भी हिल्स देख सकते हैं, इसमें बस
मैंने मार्क किया है, ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने एटलस में एक बार लगा सकते हैं कि जैसे कुछ कुछ है, गाविलगढ़ हिल्स ये महाराष्ट्र में, अजंता रेंजेस, फिर उसके बाद सतमाला हिल्स, महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक कलसुबाई, हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र कलसुबाई, फिर उसके बाद उसके नीचे पर यहाँ पर बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, तो ये सब आपके महाराष्ट्र के पार्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से आपका कृष्णा रिवर का ओरिजिन है, ये भी एग्जाम में पूछता है कई बार कि ओरिजिन पॉइंट या मैच द फॉलोइंग में दे देगा, तो महाबलेश्वर वो कृष्णा रिवर का ओरिजिन है। बाकी इम्पोर्टेंट जैसे यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो गया है, कोंडा रेंजेस, जैसे कोंडा करके कोई शब्द आता है तो बेसिकली हम लोग उसको ऑप्शन में क्या करते हैं, जैसे वेला कोंडा रेंज है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, जो कोंडा से करके शब्द बनते हैं वो आंध्र आंध्र प्रदेश वाले रीजन में होते हैं। एंड इम्पोर्टेंट इसमें महेंद्रगिरी पीक बता दो एक बार मैप में। यस यस, ईस्टर्न घाट में, वेट अ सेकंड मैम, महेंद्रगिरी मैम ने जो बताया अभी, महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है, ये आपका ओडिशा और इसके बॉर्डर पे पड़ता है ये वाला पार्ट, आप बे ऑफ बंगाल यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये आप ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। बाकी और आंधाई मुड़ी और डोडा बेटा जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। यस मैम, I will also come to that. ये आपका वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में अभी मैंने बताया, जैसे ईस्टर्न घाट क्यों अलग अलग है, वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस है, वहीं पर ईस्टर्न घाट वो थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि इनके बीच से भी रेंजेस यहाँ से रिवर्स जाते हैं इनके बीच में। जैसे हम अभी देखेंगे सबसे ऊपर पहले यहाँ से गोदावरी महानदी, फिर गोदावरी कृष्णा देन कावेरी, तो इस वजह से ये थोड़ा ब्रेकेज पैटर्न में, वहीं पर यहाँ पर कोई रिवर इस तरफ नहीं फ्लो करते, दैट इज टुवर्ड्स अरेबियन सी, दैट्स व्हाई दे आर इन कंटीन्यूअस पीक्स। सर एक बार डेक्कन प्लेटूज के जितने भी रिवर्स हैं एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। यस यस, आई विल डू दैट इन रिवर्स पार्ट, अभी पहले हम पीक्स देख रहे हैं, तरीके से पीक्स और रेंजेस देख रहे हैं। हाँ, तो वेस्टर्न घाट या पेनिनसुलर प्लेटू का या साउथ इंडिया का अगर हाईएस्ट पीक पूछता है तो आपका हो जाएगा अनाईमुडी, दैट इज अनामलाई हिल्स का है पार्ट, ये हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट है दोदा बेटा। यहाँ रखने वाली चीज है कि अनाईमुडी आपका केरला में है, दोदा बेटा तमिलनाडु में है, दोदा बेटा नीलगिरी हिल्स का पार्ट है, वहीं पर अनाईमुडी अनामलाई, ये तो वैसे भी हम पता कर सकते हैं कि अनाईमुडी वो अनामलाई हिल्स का। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी पॉइंट्स ऑफ व्यू से कि आपका नीलगिरी अनायमलाई और कार्डमम हिल्स, इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने का आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ऊपर है आपका नीलगिरी हिल्स येला पार्ट, और इसके बाद अनायमलाई हिल्स, उसके बाद कार्डमम हिल्स सबसे नीचे है। और वंस अगेन आई विल रिपीट, अनायमुडी हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का कुछ भी पूछता है अनायमुडी, या वेस्टर्न घाट्स का पूछता है तो अनायमुडी, वहीं पर अगर ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक पूछता है तो महेंद्रगिरी, जो अभी मैंने पहले बताया। बाकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे भी ऐड किया था कि मुल्यानगिरी जो है वो कर्नाटका का हाईएस्ट पीक है, तो बस ध्यान रखिए। और यहाँ पर ये ब्रह्मगिरी है, यहाँ से कावेरी रिवर का ऑरिजिन होता है ब्रह्मगिरी हिल्स से। और जैसे अभी मैंने बताया कांगटो, ये हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड का है हाईएस्ट पीक सरामती, सरामती हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड है, माउंट इसो या माउंट टेम्पू ये इसको भी बोलते हैं, मणिपुर का हाईएस्ट पीक है ये, और वहीं पर ब्लू माउंटेन, ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ब्लू माउंटेन दैट इज मिजोरम, दैट इज इन मिजोरम, ब्लू माउंटेन और ब्लू माउंटेन्स, तो ब्लू माउंटेन्स हम लोग नीलगिरी हिल्स को बोलते हैं, वहीं पर सिंगल ब्लू माउंटेन है आपको
वो मिजोरम में, ये लास्ट ईयर सर ने भी करवाया था, पुराने बच्चों को याद होगा। और हाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पर ये जो पार्ट है ये शिलोंग प्लेटू का, ये आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये हिमालयन का पार्ट नहीं। ये आपको स्टेटमेंट वाइज से पूछ सकता है कि गारो खासी जयंतिया हिल्स क्या ये हिमालयन के पार्ट है? नहीं, दे आर द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड दैट इज पेनिनसुलर। ये आपका बीच में ये जो गैप है बांग्लादेश वाला, इसको हम बोलते हैं माल्टा गैप, और ये सेम है, ये कनेक्टेड थे, ये मतलब टेक्टोनिक शिफ्टिंग की वजह से ये अलग हुए थे। गारो खासी जयंतिया जी के जे, वेस्ट टू ईस्ट, अगेन पूछ सकता है आपको अरेंज करने के लिए, तो गारो खासी जयंतिया इसको भी याद रखिएगा। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये वाला हम देख लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैप आप ध्यान में रखिएगा। जैसे ये बुंदेलखंड प्लेटू, ये बुंदेलखंड प्लेटू, उसके बगल में बघेलखंड, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू और डिक्कन प्लेटू के बीच में आपका नर्मदा रिवर आ जाती है। ये डिक्कन प्लेटू आपका महाराष्ट्र वाला रीजन, फिर कर्नाटका प्लेटू, कर्नाटका वाला रीजन, ये आपका तेलंगाना प्लेटू, दंडकारण रीजन, ये आपका दंडकारण प्लेटू दैट इज इन छत्तीसगढ़, ठीक, छोटा नागपुर प्लेटू, और छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर एक हजारीबाग प्लेटू है, उसको ध्यान रखिएगा, वो आपका झारखंड में पड़ता है। शिलोंग प्लेटू को बताया, गारो खासी जयंतिया रीजन। और मैम मैं एक्सप्लेन करूँ मतलब प्लेटू थोड़ा एक्सप्लेनेशन में, कि आप कुछ कंटिन्यू करेंगे फिर उसके बाद? ठीक है मैम, नहीं प्लेटू मैंने मेरे हिसाब से तो कर दिया एक्सप्लेन, बाकी आप एड ऑन कर लो जो भी आपको बोलना है। ओके फाइन। हाँ तो प्लेटू उसका एक बार हम देख लेते हैं, वैसे बस रीडिंग करूंगा, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द मारवर अपलैंड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द अपलैंड ऑफ ईस्टर्न राजस्थान एज इट लाइज इन द ईस्ट ऑफ अरावली रिज। द एवरेज एलिवेशन ऑफ दिस एरिया इज 250 to 500 meters अबव सी लेवल। ये आप ध्यान सकते हैं विंध्यान रेंजेस के ईस्टवर्ड में है, लाइमस्टोन यहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है विंध्यान पीरियड, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल। ये द बानस रिवर ओरिजिनेट अरावली रेंज, बानस रिवर, ये अभी रिवर्स में पढ़ेंगे हम, ट्रिब्यूटरी है आपकी चंबल रिवर की, बाकी इसमें नॉट सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये आप एक बार फर्दर रीडिंग कर सकते हैं। एंड आई विल प्रोवाइड ऑल दिस, अ सेंट्रल हाईलैंड ऑल्सो कॉल्ड मध्य भारत पठार इन द ईस्ट ऑफ मारवर अपलैंड, most of it comprises of the basin of Chambal river which flows in the Rift Valley. I think you should read it from the yourself, and because I will not take so much of time, maine isko compile karke de diya hai, main aapko telegram mein de dunga. Baki rivers ka agar batana ho Divya ma'am to main abhi continue karu ya aap bata lengi tab uske baad, sir rivers ka bhi aage aayega tab kar lenge. Okay fine, then aap bataiye fir main uske baad explain karta hu. You are mute, I think. Your voice is not audible if you are speaking. Okay, sorry. मैं वापस repeat करती हूँ कि अपना fourth है Indian desert. ये छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा topic नहीं है. और इसमें ये Aravali Hills के west में located है. यहाँ पर sand dunes पाई जाती है. यहाँ पर rainfall बहुत less होती है, सबको पता है. 150 mm per year होती है. इससे भी below होती है. और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड क्लाइमेट है और लो वेजिटेशन है. क्लाइमेट अभी अपन आगे पढ़ेंगे, तो ये एरिड क्लाइमेट है इंडियन डेजर्ट में. और इम्पोर्टेंट बात इसकी यही है कि यहाँ पर लूनी रिवर है. लूनी इज द ओनली लार्जर रिवर इन दिस रीजन. लूनी रिवर राजस्थान के डेजर्ट वाले एरिया में है. फिर फिफ्थ है अपना कोस्टल प्लेन. तो ये जो कोस्टल प्लेन है ये
हाँ ये दो है अपने, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट प्लेन। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सैंडविच की तरह है अपने अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट, मतलब पहले अरेबियन सी आती है, फिर वेस्टर्न कोस्ट है जो एक लाइनिंग टाइप में कह सकते हैं, फिर अपने वेस्टर्न घाट से जो अपन ने अभी पढ़े वो सारे। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वो तीन टाइप में डिवाइडेड है, लाइक उसके नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में उसको तीन उसमें डिवाइड करा है। फर्स्ट जो है वो है कोंकण, ये सबसे ऊपर मुंबई और गोवा वाले साइड में आता है कोंकण। फिर सेकंड है अपना कम्बट प्लेन, ये सेंट्रल स्ट्रेच है अपना वेस्टर्न घाट वाले में। और थर्ड जो इसमें सबसे नीचे है वो है अपने मालबार कोस्ट, ये साउथर्न स्ट्रेच है। और इसकी अभी इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताई भी है हर्ष ने, वो अभी वापस बता देंगे। और जो ईस्टर्न कोस्ट है वो अपने बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच का जो है वो है। इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है अपने नॉर्दर्न करिकर पार्ट, नॉर्दर्न करिकर पार्ट है वो अपने इसके सबसे नॉर्थ पार्ट है जो इसका, और इसका जो सदर्न, दो ही पार्ट में डिवाइड है ये, जो इसका सदर्न पार्ट है वो है कोरमंडल कोस्ट। और इस इधर जो रिवर्स होती है, रिवर डेल्टा, महानंदी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, इन सबका इधर कोरमंडल कोस्ट के एरिया में ही होता है। और चिला लेक अपना अपन पॉइंट नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, चिला लेक, ये अपने उड़ीसा में है, विच इज साउथ टू महानंदी डेल्टा, महानंदी डेल्टा के साउथ में है अपनी चिला लेक, और ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, उड़ीसा में है ये। फिर अपना सिक्स्थ है द आइलैंड्स, तो दो आइलैंड है अपने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो वो अपने मालबार कोस्ट ऑफ केरला के पास में लाई करता है, और यहाँ पर स्मॉल कोरल आइलैंड है, इट कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। और इसका ओल्ड नेम शायद पूछ ले कभी, तो लैक्काडिव मिनी कोए एंड एमिंडुई करके कुछ है। 1973 में इसका नाम चेंज हुआ था, जब अपनी इंदिरा गांधी वाली सरकार थी उन्होंने इनका भी नाम चेंज कर दिया, लक्षद्वीप रख दिया। और इसका जो हेड है वो है कवरावती है इसका हेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। और यहाँ मतलब काफी बर्ड सेंचुरी और फ्लोरा फौना यहाँ पर है। फिर अपना है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये बे ऑफ बंगाल के रीजन में आता है अपना, और ये काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है अपन देखते हैं मैप में तब भी। और जो अंडमान है वो नॉर्थ पार्ट है, और जो निकोबार है वो साउथ पार्ट है। और इधर सबमरीन माउंटेन्स भी है और थिक फॉरेस्ट भी है। हर्ष इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं वो आप शेयर कर दो। ओके मैम, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद अ मिसलेनियस पॉइंट, दैट इज मैम जस्ट टोल्ड अबाउट लूनी रिवर। तो लूनी रिवर और घग्घर रिवर, ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि ये एफिमरल रिवर्स है, यानी ये रास्ते में ही सूख जाती है, दे डू नॉट ड्रेन इन लाइक अरेबियन सी और एनी बिग वाटर बॉडीज। तो ये रास्ते में सूख जाती हैं, ध्यान रखिएगा, लूनी रिवर और घग्घर रिवर। बाकी मूविंग ऑन टू रिवर सिस्टम, हम रिवर सिस्टम देख लेते हैं एक बार इन 5 to 10 minutes, जस्ट गिव मी। ओके, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग करेंगे हम महानदी रिवर सिस्टम से। महानदी रिवर सिस्टम, सबसे पहली बात हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि देखिए ये आपका पेनिनसुलर पार्ट है, तो इसको अरेंज करने का भी स्ट्रक्चर मैं बताऊं। ओके 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 मैम, ओके आई एम स्टॉपिंग। मैम यू आर म्यूट अगेन, प्लीज चेक योर माइक। ओके, तो जो अपना रिवर सिस्टम है ये ड्रेनेज सिस्टम भी इसी को बोलते हैं। ये अपने मेनली दो में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है वो अपना हिमालय रिवर सिस्टम है,
और सेकंड जो है वो अपना पेनिनसुला रिवर सिस्टम है। इनके कुछ बेसिक डिफरेंस है अपन वो देख लेते हैं जिससे अपन को अलग हेल्प मिलेगी एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त। तो जो हिमालय रिवर है ये पूरे टाइम बहती मतलब पूरे टाइम बहती रहती है ये, और जो पेनिनसुला रिवर है वो अपने सीजनल है, सीजनल वाइज उसमें फ्लो ज्यादा रहता है कम रहता है उस अकॉर्डिंग है। हिमालय रिवर का अपन को अपन लगा सकते हैं कॉमन सेंस कि लाइक स्नो मेल्टिंग की वजह से वो उसका सोर्स है और रेन भी उसका सोर्स है, बट जो पेनिनसुला रिवर है वो ओनली रेन उसका सोर्स है। और जो मेजर रिवर हिमालय रिवर्स की हिमालय रिवर सिस्टम में है वो है अपने इंडस और ब्रह्मपुत्र जो ऊपर की लाई करती है, और जो अपनी पेनिनसुला वाली है वो अपनी नर्मदा गोदावरी सब अपन अभी आगे देखेंगे वो है इसमें। और हिमालय रिवर जो है वो लॉन्ग कोर्स है और जो पेनिनसुला वाला है वो शॉर्ट कोर्स और शेलो कोर्स है, उसका ज्यादा लंबा कोर्स नहीं है। और जो हिमालय रिवर्स है उसमें जो लाइक अपर कोर्स में इरोजनल एक्टिविटीज होती है और इसमें सॉल्ट और सेंट कैरी करता है ये, और इसी में अपनी ऑक्सबो लेक भी आती है जो अपन अभी आगे देखेंगे। और जो भी अपनी ये पेनिनसुला रिवर है ये सारी मोस्टली इनका जो फ्लो है वो ये है कि वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है काइंड ऑफ और बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है, या फिर सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिन होकर वेस्ट साइड में फ्लो होती है, ये इनके बेसिक फ्लो है। तो फर्स्ट अपन आते हैं द हिमालयन रिवर पे। हिमालयन रिवर में सबसे फर्स्ट है अपनी द इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस अपने राइज होती है तिब्बत में नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर के वहां पर ये राइज होती है और ये इंडिया में एंटर करती है लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले एरिया में ये एंटर करती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है जस्कर नुब्रा सोयक हुनाज, तो इसकी थोड़ी ट्रिक मतलब ऐसे याद कर सकते हो कश्मीर में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जस्कर को आप लश्कर से रिलेट करके याद कर सकते हो, लश्कर नूब है लाइक बेवकूफ टाइप में, तो नुब्रा और सोयक हुनाज ऐसे करके कुछ भी आप ट्रिक खुद से भी बना सकते हो। और इसकी पाकिस्तान में जो ट्रिब्यूटरीज है वो है अपनी सतलुज बेस रवि और चेनाब। और फिर इसके जो बेसिन है वो कौन कौन से स्टेट में अपने कवर कर लेते हैं वो चीजें हैं, तो वो है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब और पाकिस्तान में इसके बेसिन कवर होते हैं। और ये अपना एक को इफेक्ट है इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ था, अकॉर्डिंग टू दिस कि इंडिया सिर्फ 20% वाटर यूज कर सकता है इंडस रिवर का, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था। फिर सेकंड है द गंगा रिवर सिस्टम, ये थोड़ी लार्ज है, जो ये जहाँ से स्टार्ट होती है उस एरिया को बोलते हैं अपन भागीरथी, अपन ने देखा भी है लाइक एंशिएंट के टॉपिक्स में भागीरथी वाला सीजन। और ये अलकनंदा और देवप्रयाग को उत्तराखंड में ज्वाइन करती है गंगा रिवर सिस्टम। फिर हरिद्वार में ये माउंटेन से मर्ज होके प्लेन्स में चली जाती है, ऊपर माउंटेन वाला रीजन होता है फिर नीचे हरिद्वार वाले पॉइंट पर आके ये प्लेन में प्लेन्स में इमर्ज हो जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो देख लेते हैं, यमुना इसकी सबसे बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है, देन घाघर गंडक कोसी ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और यमुना गंगा के पैरेलल ही फ्लो करती है बट इलाहाबाद में आके दोनों मिल जाती हैं, और घाघर गंडक कोसी ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है ये सारी नेपाल में राइज होती है। फिर इसकी पेनिनसुलर रीजन में ट्रिब्यूटरीज है वो है चंबल बेटवा और सन। फिर इसमें आगे इम्पोर्टेंट हाँ ये यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि जो भागीरथी वाली जो होती है वो साउथवर्ड में फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाती है, पर जो मेन स्ट्रीम होती है वो बांग्लादेश वाले रीजन में जाके
ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती है, और जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र ज्वाइन होती है उसको अपन मेघना बोलते हैं। और सुंदरबन डेल्टा वो अपने गंगा और ब्रह्मपुत्र को का मर्ज करके जो मेघना है उससे फॉर्म होता है सुंदरबन डेल्टा, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फास्टेस्ट डेल्टा है, और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर का होम है ये। और इंडस और गंगा को जो वाटर डिवाइड करता है वो है अंबाला। अंबाला जो है वो इंडस और गंगा को डिवाइड करता है। फिर थर्ड जो है अपना वो है द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर अपने चाइना तिब्बत में राइज होती है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, और ये अपने हिमालय के पैरेलल ही चलती रहती है बट आउटसाइड इंडिया। फिर ये नमचा बैरवा में यूटर्न मार के अपने इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के थ्रू वहां से एंटर होती है, और वहां पर इसको अपन बोलते हैं दिहंग। और ये वहां पर असम में दिहंग, दिबंग और लोहित ये मिल जाते हैं असम में। और इसके कुछ और नेम है, लाइक इसको तिब्बत में तसंग पो बोलते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। और जैसे भी पहले बताया था कि जो मौजुली रिवर राइन आइलैंड है वो अपने ब्रह्मपुत्र में फॉर्म होता है, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर राइन आइलैंड है। वो सब इसके जो भी आप पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर दो। ओके फाइन मैम। यस हेलो। हाँ हर्ष, शेयर कर रहे हो क्या कुछ? हाँ सर, बस 5 से 10 मिनट मांग चलिए मुश्किल। अच्छा, से नहीं नहीं बिल्कुल वो नहीं, मुझे लगा कि कोई दिक्कत आ रही है वहाँ से शेयर करने में। नहीं सर, नहीं सर, बस शेयर करो। Am I audible? Yes sir. Yes. Okay, fine. ओके ओके, थैंक यू मैम। सो सबसे पहली बात, बेसिकली हम देख लेते हैं कि ये जो यहाँ पर सेंट्रल हाइलैंड्स है और यहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, तो सेंट्रल हाइलैंड से एक रिवर निकलती है गोदावरी, फिर यहाँ से निकलती है रिवर कृष्णा, यहाँ मतलब वेस्टर्न घाट। अभी मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक बेसिक नॉलेज कि हम जैसे अरेंज करने को आ गया तो अरेंज कर सके। तो ये आपकी महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड देन कावेरी, ठीक है? ये इन सब का पैटर्न क्या रहता है, ये आपका बे ऑफ बंगाल में आके ट्रेन करती है अपना वाटर। तो हम पहले सबसे पहली बात इसको देखेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, स्टार्टिंग विथ महानदी रिवर। तो महानदी रिवर ओरिजिन इसका धमतरी रीजन, सिहावा माउंटेन, रायपुर, दंडकारण, एक्चुअली ये सब एक ही चीजें हैं, ये आपका मतलब आ सकता है एक तरीके से। तो इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे धमतरी रीजन सिहावा डिस्ट्रिक्ट भी है छत्तीसगढ़ में, वहां से ओरिजिन पॉइंट है इसका, वहां से ओरिजिनेट होती है, फिर इसके बाद ये फ्लो करती है ओडिशा में जाके ये आपका बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। इसके देखिए जैसे एक रिवर फ्लो कर रही है, ये मान लीजिए हम ट्रिब्यूटरीज कैसे पहचानते हैं कि उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो हम उसको रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। जैसे रिवर जिस तरफ फ्लो कर रही है, मान लीजिए रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, जिस तरफ मैंने एरो बनाया, तो इसकी इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ये इधर से जो ज्वाइन होंगी रिवर्स, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, और इधर से जो ज्वाइन होंगी वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो हम देखते हैं महानदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं फास्ट में, जैसे शिवनाथ, शिवनाथ, हसदेव, मान, एब, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये चारों इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। बस आप एक बार नजर डालिए, इसके बाद आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स so that further you can read more। Jong, Ong, Tail, ये इसकी right hand tributaries हैं, ये this can be asked by like in the match the following column, ठीक? तो ये है आपका, ध्यान रखिएगा ये दो state में flow करती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और फिर drain कर जाती है आपका in Bay of Bengal।
Now moving on to the next river system. Yes, Godavari river system. Godavari river system, इसका ओरिजिन होता है त्र्यंबक त्र्यंबकेश्वर प्लेटू नासिक से महाराष्ट्र में. फ्लोज इन महाराष्ट्र, सबसे पहले महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, फिर तेलंगाना में जाती है, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश और फिर आपका बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर ले जाती है. इसका एक बार मैंने अलग से इसको पॉइंट में नोट किया है कि एग्जामिनर क्या कर सकता है, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि कर्नाटका में भी बीच में दे दिया, जैसे दे दिया कि महानदी फ्लोज फ्रॉम महाराष्ट्र तेलंगाना, बीच में कर्नाटका डाल दिया. तो ध्यान रखिएगा कि कर्नाटका से नहीं फ्लो करती, इट डज नॉट फ्लो इन कर्नाटका गोदावरी रिवर सिस्टम. इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं. लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है दुधना, पूर्णा, प्राणहिता. प्राणहिता में इसकी सब ट्रिब्यूटरीज है, जैसे पेंच गंगा ऊपर से मध्य प्रदेश वाले रीजन से आपका पेंच आ जाती है, ये पेन गंगा और ऊपर मध्य प्रदेश जो पेंच नेशनल पार्क है वहां से उस साइड से पेंच आ जाती है. वेन गंगा वर्धा, एक बार नाम ध्यान दीजिएगा. उसके बाद इंद्रावती, इंद्रावती आपका इंद्रावती नेशनल पार्क दैट इज इन छत्तीसगढ़, उस साइड से एक रिवर आती है, ये भी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है. और इंद्रावती की सब ट्रिब्यूटरी एक है नारंगी रिवर. बाकी उसके बाद सबरी, ये उड़ीसा वाले रीजन में सबरी, बलीमाला, सिलेरू, ये भी क्या है आपका गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज है. राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट है किन्नरसनी, मानेर, मांजरा, मूला, प्रवरा, ये सब राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर. फर्दर आई एम अगेन सेइंग, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में नोट्स में, आप एक दो बार इसको देखेंगे तो एटलीस्ट इलिमिनेट कर लेंगे इन एग्जामिनेशन इफ इट इज आस्क्ड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिवर सिस्टम दैट इज कृष्णा रिवर सिस्टम. कृष्णा रिवर सिस्टम ऑरिजिन आपका होता है महाबलेश्वर. जैसे इसको हम ऑरिजिन इसका मैंने पर्सनली इस तरीके से याद किया था, जैसे महाबली कृष्ण, महाबली कृष्ण से ये आप याद कर सकते हैं कि महाबलेश्वर जो आपका माउंटेन है वहां से कृष्णा स्टार्ट होती है. गोदावरी नासिक, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट. तो ओरिजिन पॉइंट कृष्णा का क्या है, महाबलेश्वर रीजन. फ्लोज इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश. अब इसमें आप नोटिस करिए, इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, कृष्णा रिवर जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं जाएगी लाइक इन गोदावरी रिवर सिस्टम, क्योंकि कृष्णा रिवर सिस्टम वो काफी नीचे है, छत्तीसगढ़ थोड़ा ऊपर पड़ जाता है. महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश. अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं. कृष्णा रिवर सिस्टम, ये भी आपका ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट, ऑफ कोर्स दैट इज महाबलेश्वर माउंटेन. इसके पहले लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज भीमा, सीना, नीरा, मान. तो भीमा मान लीजिए आ सकता है, तो इसको आपको याद रहेगा क्योंकि भीमा को हम रिलेट कर सकते हैं महाभारत से, महाभारत में कृष्ण भी थे और भीम भी थे, तो भीमा जो है वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. फिर उसके बाद मुशी रिवर. मुशी रिवर में इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि इसके किनारे पे हैदराबाद है, तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है. मुशी रिवर, ये भी आपका ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की. मुन्नेरू रिवर, ये भी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की. उसके बाद तुंगभद्रा, तो सबको याद रहता है कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि हमने सर ने करवाया भी था विजयनगर एम्पायर वाले रीजन में, तो क्योंकि तुंगभद्रा का वहां पर मेंशन होता है. और मलप्रभा, घटप्रभा, दुग्ध गंगा, पंचगंगा, वर्णा, कोयना, ये सब आपकी राइट हैंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ कृष्णा रिवर. आओ नेक्स्ट पे चलते हैं. फोर्थ, मूविंग ऑन टू द कावेरी. कावेरी, इसमें ब्रह्मगिरी हिल्स, इतना ध्यान रखिएगा, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका में इसका ओरिजिन होता है, ये भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है. सिंपली हम इसका एक बार ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं. तो हेमावती, शिमशा, अर्कावती और तुरु ननाई मुत्तई, ये तमिलनाडु में एक रिवर है, ये भी आपकी कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी. राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुब्रावती, भवानी, नोएल, अमरावती आपका आंध्र प्रदेश का कैपिटल भी माना जाता है, तो याद रखिएगा कि कावेरी रिवर का ये ट्रिब्यूटरी भी है. और सनमुक्ता, ये सब आपकी tributaries, right bank tributaries of Kaveri River. Now coming on to the most important river, that is Ganga River system. Ganga River system में मैं PYQ solve कर रहा था, तो उसमें मुझसे पूछा गया था गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा, इनको arrange करना था west to east में. इसका गंगा river का बहुत important है, इसको आप याद रखिए, plus इसका location भी याद रखिए. जैसे राम गंगा, गोमती, then
घाघरा और घग्गर, दे आर डिफरेंट रिवर्स. प्लीज मेक श्योर घग्गर फ्लोज इन हरियाणा रिवर, दैट इज ऑल्सो एफेमरल, सूख जाती है रास्ते में एज लाइक लूनी रिवर. लेकिन ये दूसरी है, ये घाघरा रिवर है. फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, ये आपका बिहार वाला रीजन, कोसी और महानंदा, महानंदा वेस्ट बंगाल में. ठीक, इसको आप फर्दर ट्रिब्यूटरीज एक बार देखेंगे. फिर उसके बाद यमुना रिवर, यहाँ पर मैंने देखिए ये जैसे डायरेक्ट इससे ये यमुना रिवर यहाँ से ज्वाइन हुई है, ये आपको प्रयागराज में ज्वाइन करती है गंगा से. यमुना रिवर की फर्दर ट्रिब्यूटरीज हैं, फर्दर ट्रिब्यूटरीज जैसे चंबल रिवर, वो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है. और अभी हमने देखा था बानस रिवर, मैंने बोला भी था आपको कि बानस रिवर आगे हम देखेंगे, चंबल रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है. तो चंबल रिवर की फर्दर ट्रिब्यूटरीज है पार्वती, कालीशिंद, शिप्रा, बानस. तो वो क्या करेगा, वो आपसे ये भी पूछ लेगा, अगर जैसे चंबल का पूछ लिया कि क्या चंबल गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ऑफकोर्स इट इज, बट उससे पहले वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है. ठीक, उसके बाद सोन रिवर, सोन में आपका आ जाता है रिहांड, इस पे एक उत्तर प्रदेश में एक हाइड्रो पावर प्लांट भी है रिहांड पे. उसके बाद नॉर्थ कोयल, पुनपुन रिवर, ये बिहार वाले रीजन में आपका. दामोदर, दामोदर क्या है, दामोदर मैंने दामोदर रिवर झारखंड वाले इलाके में. और ये हुगली रिवर, हुगली रिवर की खास बात ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटरी है. ये डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ये फरक्का बैरेज से इसको इसका पाथ बनाया गया है, ये नेचुरल फ्लो नहीं है. फरक्का बैरेज आपका इसके बाद फिर बांग्लादेश में गंगा रिवर इंटर कर जाती है, तो इसको इसका पाथ मैन मेड पास है. हुगली रिवर का एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसको बनाया गया है, ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट. नाउ लास्ट इज आवर ब्रह्मपुत्र रिवर. हाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सबसे पहले आज मिसलिनियस फैक्ट, सॉर ऑफ असम, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा पानी लेके आती है, बहुत इसका कटाव रहता है, लेके आती है. ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर सिस्टम में अगर देखें हम तो ज्यादा लॉन्ग जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इसका नियरली है 2900 किलोमीटर. लेकिन इसका मोस्टली पार्ट जो है वो इंडिया में नहीं है, इसका सिर्फ 900 अप्रॉक्स में रीजन वो इंडिया में पड़ता है. लेकिन अगर इसी कंपेयर में हम गंगा को देखें तो गंगा इज नियरली समथिंग 2500 के आसपास ये आपका रीजन पड़ जाता है किलोमीटर्स में. तो इसीलिए जो लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है वो गंगा रिवर सिस्टम है. मिसलिनियस फैक्ट का ये सोर ऑफ आसाम के जैसे नोन एज यालुंग ज़ैंगपो और सैंगपो इन तिब्बत, तिब्बत में इसे यालुंग ज़ैंगपो बोलते हैं. चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से ये ओरिजिनेट करती है तिब्बत में. नोन एज यमुना इन ब्रह्मपुत्र, नोन एज यमुना इन ये मैंने गलत इन बांग्लादेश यस, इसको बांग्लादेश में ये पॉइंट आप करेक्ट कर लीजिएगा, बांग्लादेश में इसको यमुना बोलते हैं. और इसी पे मांजली आइलैंड भी है एज डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी टोल्ड. स्टार्टिंग होती है तिब्बत से, फिर ये फ्लो करती है आपका यहाँ नामचा बरवा से अरुणाचल प्रदेश पे, यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है. इसके फ्लो वाइज मैंने बनाया है, देखिए इसका फ्लो इस तरह रहता है ऐसे. ठीक, और फिर यहाँ पर ये आपका वेस्ट बांग्लादेश में इंटर कर जाती है. इसकी भी ट्रिब्यूटरीज कुछ देख लेते हैं. पहली बात तो इसका लेफ्ट, अगर इसमें देखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ये आपका हो जाएगा दिहांग या दिबांग, लोहित, धनश्री, कोपिली. उसके बाद राइट हैंड में देख लेंगे तो वो आपका आ जाएगा शुभनश्री, कामेक, मानस, संकोश, रैडाक, जलढाका और तिस्ता रिवर. तिस्ता रिवर इंपॉर्टेंट, वी हैव कवर्ड इन करेंट अफेयर्स क्लास ऑल्सो लास्ट डे ऑनली. संकोश रिवर पे ध्यान रखिएगा क्योंकि बॉर्डर ऑफ आसाम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है, दैट इज संकोश रिवर. एक और इम्पॉर्टेंट इसको हम पॉइंट मैंने अलग से इसको ज्वाइन किया है कि बराक रिवर. बराक रिवर वो स्टार्ट करती है एक्चुअली मणिपुर से, वो फ्लो करती है नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर आसाम. आसाम में उसको सूरमा रिवर के नाम से जाना जाता है. फिर उसके बाद वो आपकी मेघालय में ये आपको कनेक्ट कर जाती है आपको ब्रह्मपुत्र रिवर में. दैट्स इट. Thank you, sir. That's all from my side. Thank you so much. और बहुत शानदार एक्सप्लेन किया.
मतलब हाँ जी सर, पेनिनसुला रिवर के कुछ पॉइंट्स या कुछ ट्रिक्स है वो मैं शेयर करूँ अभी या नहीं? मैम अभी नहीं, आप, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जैसे कंटिन्यू कर रहे हो ना, तो वापस से जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना उसमें वापस से कंटिन्यू करो। मतलब ये है कि इसमें ना अपना इंडियन इंडियन ज्योग्राफी का इसमें ऑटमोस्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है? बट आई रियली बेग योर पार्डन, आई एम इन बिटवीन सम टास्क, ठीक है दिव्या मैम? हाँ सर। ठीक है, तो जो भी जहाँ से भी आप अभी शुरू करना चाहते हैं ना, वहीं से सेम स्पॉट से आप कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और जैसे आप, सर वन मोर थिंग, हाँ जी बताइए सर। फर्स्ट इज स्पीक सर, मैं ये कह रहा था कि अमृतेन बोल रहा था जैसे रिवर्स का एक्सप्लेन करने के लिए, तो रिवर्स मैंने ले लिया है, बाकी जो लेक्स एंड ग्लेशियर्स हैं ये आप दूसरों को दे सकते हैं। देखो अभी तो एक्सप्लेन करते जाओ, अगर जैसे प्रिपेयर किया है ना तो हर्ष अभी एक्सप्लेन करते जा, उससे क्या होगा ना। हाँ हाँ बोलो सर। लेक्स एंड ग्लेशियर्स तो ऑलरेडी मेरा टॉपिक था और मैंने प्रिपेयर भी किया इस पर। हाँ हाँ वो मेरे पास लिखे रखे हैं, अमृतेन का बेसिकली प्लेटू एंड प्लेन्स था अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, बता रहा हूँ वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का था अनु, आपका वाटर वो था, फिर वाटर एंड फॉरेस्ट था मेरा। हाँ जी बस यही था। यस सर। तो सर बेसिकली हम लोगों ने कवर कर लिया, वो पेनिनसुलर का कुछ पार्ट दिव्या मैम कल ऐड करेंगी। नहीं नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अनु मैम से पूछ रहा हूँ। अनु मैम आप क्या बोल रही है, वो लेक्स एंड वो वाला सर वाटर एंड फॉरेस्ट था मेरा। हाँ ना वाटर एंड फॉरेस्ट है ना। हाँ हाँ सर, लेक्स ग्लेशियर्स लेक्स डैम्स डेल्टा सी। एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ फिर मैं बात करता हूँ।